काजल राघवानी मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में काम करने वाली एक अभिनेत्री हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1990 को हुआ था और वह गुजरात की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पटना बिहार से की है। उन्होंने 2013 में आदित्य ओझा के साथ फिल्म रिहाई से डेब्यू किया था। उनकी कुछ सबसे अच्छी फिल्में हैं सबसे बड़ा मुजरिम, पटना से पाकिस्तान, भोजपुरिया राजा, मुकद्दर, मेहंदी लगा के रखना और मैं सहरा बांध के आऊंगा। वह 2016 में दुबई में आयोजित भोजपुरी बेस्ट एक्ट्रेस पीपल चॉइस अवार्ड्स की विजेता भी हैं। उन्होंने दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी आदि जैसे प्रमुख भोजपुरी फिल्म सितारों के साथ भी काम किया है। काजल राघवानी की अन्य भोजपुरी हिट फिल्म्स हैं जैसे दुल्हन गंगा पार के, बैरी कंगना 2, प्रतिज्ञा 2, दीवाना, हुकूमत, जाने मन, इंतकाम, आशिक आवारा। इसके अलावा भी उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इस टैलेंटेड भोजपुरी अभिनेत्री ने फिल्मों की हर भूमिका में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उनकी सुंदरता और अभिनय और डांस के टैलेंट ने विशेष रूप से भारत के नर्दर्न पार्ट में भोजपुरी फिल्म प्रेमियों को आकर्षित किया है। काजल राघवानी की एक बहन है जिनका नाम है धर्मिष्ठा मिस्त्री। उनके दो भाई भी हैं। उनके एक भाई का नाम विमल राघवानी है। काजल राघवानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती फिल्मों से की और धीरे धीरे भोजपुरी सिनेमा में आ गईं। उन्होंने 16 साल की उम्र में 2011 में फिल्म सुगना से भोजपुरी में शुरुआत की। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के सभी लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ काम किया है जिसमें दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी और रवि किशन शामिल हैं। उन्होंने देवरा भाई दीवाना 2014, पटना से पाकिस्तान 2014, मेहंदी लगा के रखना 2017, माई सेहरा बांध के आऊंगा 2017, दुल्हन गंगा पार के 2018 जैसी हिट भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। उनको साजन चुन लिया 2019 और बागी एक योद्धा 2019 में भी इन्होंने अभिनय किया है। उन्होंने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म पुरस्कार IBFA और अभिनेत्री पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। उनके परिवार वाले और करीबी दोस्त उसे प्यार से काजू कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कभी अभिनेत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि वह एक दिन अपनी बेटी को टीवी पर देखें, जो उन्हें मनोरंजन की दुनिया में ले आई। जब वह 11 साल की थी तब उन्होंने एक मराठी फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। इसने मनोरंजन उद्योग के लिए उनके दरवाजे खोल दिए और उसने फिल्म उद्योग में एक संपर्क बनाना शुरू कर दिया। काजल राघवानी कई टीवी शोज में भी दिखाई दी और डांस प्लस नामक एक शो में भाग लिया। जब वह मुंबई में एक गुजराती फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो विपुल शाह नाम के उनके दोस्त ने उन्हें निर्देशक अजय ओझा से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म सुगना 2011 में एक भूमिका की पेशकश की। काजल हिंदी, गुजराती, मराठी और भोजपुरी भाषाएं जानती हैं। वह जानवरों से प्यार करती हैं और सोशल मीडिया अकाउंट पर जानवरों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। काजल के पास कई कुत्ते हैं और उनके पास एक कछुआ भी है।